फ्रेंड्स, आज अपन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट चैप्टर की कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले फार्मूला पर डिस्कस करेंगे, लॉ डिस्कस करेंगे, बायोट्स सावर्ट्स लॉ। इसमें बताया जाता है कि कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में डेवलप हो जाता है। सपोज करंट कैरिंग वायर ऐसा है और आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों ओर राइट हैंड थंब रूल से अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है इस तरह से। तो इसके हम किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, सपोज इस पॉइंट में निकालना चाह रहे हैं आर डिस्टेंस में, और यहाँ पे डीएल स्मॉल सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर है, इस आईडीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो इस पॉइंट पर जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा, इसका वैल्यू डीबी का जो वैल्यू है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा डीबी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, डीबी प्रोपोर्शनल टू इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा, और डीबी वन अपॉन आर स्क्वायर से वेरी करता है। इनको सबको कंबाइन करने में एक फार्मूला बनेगा, डीबी इक्वल टू मी जीरो आई डीएल साइन थीटा अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। तो ये इसका फार्मूला होगा, डी बी इज म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है तब मिलेगा जब एंगल थीटा 90 होगा, राइट। और थीटा जब जीरो होगा तो मिनिमम होगा बी जीरो, टी वी जीरो, राइट। थीटा जीरो और 180 में डी वी जीरो होगा, राइट। इन दो कंडीशन जीरो होगा। इसका वेक्टर फॉर्म करने के लिए डी वी डी वी इंटू एन कैप कर देंगे, राइट। तो ये होता है म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा फोर पाई आर स्क्वायर एन कैप, राइट। और इसमें म्यू नॉट आई डी एल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आर क्यू बना देंगे। तो म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर आ जाएगा फोर पाई आर क्यू, मीन्स आर क्यू अगर लेना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, राइट। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इसका एक एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ओ पर कितना होगा, आर इसकी रेडियस है, इतना सा पार्ट नेगलेक्ट कर दें तो सेंटर में फील्ड कितना होगा। इसको हम डिराइव नहीं कर रहे, इसको हम सीधे लिख देते हैं। ये होता है म्यू जीरो आई अपॉन टू आर, ये इसका वैल्यू है, राइट। अगर इसमें एन टर्न है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन, तो इसमें अपन अगर एन टर्न है ऐसे आर रेडियस में, तो बी का जो वैल्यू है वो बी डेस हो जाता है एन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। ये रिजल्ट डायरेक्ट अपन को याद करना है, राइट। अब मान लो ये एक आर्क है, उसका सेंटर में बना हुआ एंगल थीटा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू जीरो आई थीटा अपॉन फोर पाई आर होता है, राइट। ये है, इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर कोई वायर है सर्कुलर वायर, उसके डिफरेंट सेक्शन है, मान लो वन फोर्थ है,
तो 1/4 करंट फ्लो की वजह से, 1/4 की वजह से सेंटर में फील होगा, मेजर आई फॉन्स